यूपी में उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं बीजेपी ने भी अपने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है, इनमें टुंडला, बुलंदशहर सदर, नौगांवा सदात, घाटमपुर, बंगरमऊ, मल्हनी और देवरिया सदर सीट शामिल है। देखिए, यूपी में होने वाले उपचुनाव को 2022 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा। बीजेपी क्लीन स्वीप करने की जुगत में तो है। विपक्षी दल उपचुनाव में जीत का परचम लहराकर आगामी विधानसभा में चुनाव के माहौल को अपने पक्ष में करना चाहती है। बीजेपी ने जौनपुर के मल्हनी विधानसभा से पढ़नी सिंह को प्रत्याशी बनाया। वहीं बुलंदशहर सदर से सुंदरपाल तिप्तिया, कुंडला से नीलम दिवाकर, घाटमपुर से स्वप्निल वरुण, बांगरमऊ से शशि शेखर सिंह, नौगांवा से संगीता चौहान और देवरिया सदर से अजय प्रताप सिंह उम्मीदवार होंगे। आपको बता दें कि यूपी की खाली 8 सीटों में से 7 पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव का ऐलान किया। रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया। जनतिथि विवाद में अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता निरस्त होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। बाकी 7 सीटों पर 9 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके नतीजे 10 नवंबर को सामने आएंगे। यूपी में होने वाले उपचुनाव को आगामी 2022 की विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, जिसके चलते जनता में अपनी अच्छी पैठ बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वहीं इस बार कोरोना महामारी के चलते चुनाव अलग तरीके से कराए जाएंगे। लाइव टुडे के लिए रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट।